नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। इंडिया न्यूज का खास शो आप देख रहे हैं। इसमें हम मोदी सरकार और आठ की चाल पर खास तौर पर बात करने वाले हैं। देश के जाने माने प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स, जिस तरह से देखा जाए जो आठ जो अंक है वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट होता है, कैसे आठ साल और आठ की चाल, लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और हम तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य कैसा होगा। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं इस पर, एक एक हम ये कहा जा सकता है कि स्टार्टिंग एक कॉमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे शुरुआत करूंगी, अगर हम इस आठ की चाल को देखें तो आप कैसे देखते हैं? आठ की चाल से आठ साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को और ये कहा जा सकता है कि आठ नंबर उनके लिए लकी, इसका कनेक्शन जरा बताइए। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पहली अब बात आपको बता दूं। ये प्रश्न आप न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मैं केवल वैदिक ज्योतिष करूंगा, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बतलाऊंगा कि आठ वर्ष बीते कैसे। ठीक है, श्रुति जी मैं आपसे बोल, हमारे साथ अशोक वासुदेवन जी हैं। अशोक जी, बहुत हद तक ये निर्भर करता है कि पड़ोसी देशों से आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। बात अगर हम चीन की करें, बात हम पाकिस्तान की करें, तो कैसे देखते हैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते, देश के साथ रिश्ते, क्योंकि काफी हद तक दशा और दिशा ये तय करते हैं कि आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे हैं। धन्यवाद। मैंने इसलिए अपना लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि इतने विद्ध बैठे हैं पराविज्ञान के, इन्होंने सब कुछ बोल दिया, मेरे बोलने लायक इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। सभी लोग पराविज्ञान, मैंने पराविज्ञान बोला, ज्योतिष बोला, ये प्रभु कृपा से हर एक व्यक्ति के पास आता है। मैं इसकी भूमिका इसीलिए बांध रहा हूँ कि हमने केवल मोदी जी के ऊपर कंसंट्रेट किया, आठ नंबर पर फोकस किया। मेरे पास मेरा वैदिक ज्ञान है, विज्ञान है, हम लोग जो ज्योतिष की कलाएं जिस जो हम देखते हैं, सबसे जो सर्वोपरि है वो मातृभूमि है, सबसे जो परे है वो मातृभूमि है, सबसे ऊपर मातृभूमि है। जिस जमीन का भाग्य लिखा होगा, जिस मातृभूमि का भाग्य लिखा होगा, उसके पास वैसा ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा से आ जाएगा। यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा डिजर्व करती है उसी तरह का राजा जो है वो ईश्वर उसको देता है। अब कुंडली का जहां तक मैं विवेचन करूं, अगर मान लीजिए मैं जो आपने मुझे प्रश्न पूछा है मैं उसी पर फोकस करता हूं, चीन और पाकिस्तान कैसे रहेंगे, मैं ये कहता हूं कि अगर उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा है तो अखंड भारत इस युग में तो नहीं हो सकता है, लेकिन यह है कि कोई कन्फेडरेशन अपने पड़ोसियों के साथ बन सकती है जिसके अंदर हम उनको डीमिलिटराइज कर दें, उनके आर्म्स एंड एमुनिशन को हम खत्म कर दें और उसके बाद में कन्फेडरेशन बना करके और उनके साथ एक अच्छा समझौता, उनके नागरिकों के साथ, उनके जो वहाँ की जनता है उनके साथ, उनके जन कल्याण के लिए हम लोग भारतवर्ष के लोग काम करें और उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा राजा जो एक ऐसा लुक दे दे, और जो ऐसा आत्मनिर्भर भारत पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते भी हैं और हमने देखा भी है किस तरीके से युवाओं में खास जोश देखने को मिलता है स्टार्टअप इंडिया को लेकर, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने को लेकर। जीडी वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। जीडी वशिष्ठ जी, अरे पंडित वासुदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं समझना चाहूंगी। वासुदेवा जी, 2024 का भी अगर हम सम निकाल कर देखें तो वो भी 8 पर आता है। साल 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और सबकी नजरें भी उस पर टिकी हुई हैं, वो साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसा होने वाला है? बिल्कुल सर जी, आपका जो आज के प्रोग्राम का थीम है वो नंबर 8 पर ही था, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं तो न्यूमरोलॉजी नहीं करता हूँ। इतनी माताएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण इन्होंने किया। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मेल खाती हैं चीज़ें क्योंकि पराविज्ञान एक ही होता है। आठवां घर हम लेते हैं पुरातत्व, पुरातन से, हेरिडिटी से, और देखता है ये होता है सडननेस का घर,
और सीधा देखता है आपके धन भाव को, कुटुंब भाव को। और जब से ये हमारे भारतवर्ष के अंदर ये आठवां घर जागृत हुआ है, और इस समय अगर मैं कर्क लगन ले लूँ, कर्क राशि ले लूँ भारतवर्ष की 15 अगस्त 2047, और उसके बाद में मैं मकर राशि ले लूँ वैदिक पद्धति से जो वराह मीर ने दी है, तो भी आठवां जो आठ नंबर राशि है, वृश्चिक राशि है, उसका एक विशेष योग बनता है। और वो विशेष योग बनना शुरू हो गया था 2010 में, और ये 36 वर्ष के लिए ये योग बना हुआ है। 2046 में ले लेता हूँ। और उसके बाद जो मातृभूमि है, जो मातृभूमि है वो सर्वोपरि है, उसको हम लोग मानते हैं। व्यक्ति विशेष कोई सर्वोपरि नहीं है, ईश्वर अपनी कृपा से किसी व्यक्ति के अंदर वो विजडम पैदा कर देगा, उसके अंदर वो चीज़ें दे देगा जिसको राजा विक्रमादित्य वो बना देगा, और वो देश का भला करेगा, बच्चों का भला करेगा, देश का भला करेगा। भारतवर्ष का भविष्य सर्वोपरि है और भारतवर्ष का भविष्य जागृत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो आचार्य जी कौशिक जी ने जो बात बोली है 2024 पर जाकर ये अटक गए, कल भी एक चैनल के अंदर बैठे थे, ये 2024 पर जाके अटके हैं वहाँ भी, ठीक है ना। और मैं 2024 को एक भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा मोड़ लेता हूँ, बहुत बड़ा मोड़ है। आप सर मोड़ बता रहे हैं 2024, बहुत बड़ा मोड़ है 2024 का। अब वहाँ पर चुनाव भी है जी, और 2024 के बाद क्या देखते हैं सर, आप कह रहे हैं? देखिए 2024 के बाद में भी लोकसभा इलेक्शन 5 साल का होता है, राइट, 2029 तक आप देखते हैं। जहाँ तक मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को मैं समझा हूँ, देखा हूँ, क्योंकि जो इंटरनेट पे कुंडलियाँ वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की आती हैं, हम लोग इसको एक राशि एक अलग आगे पीछे भी करके देख लेते हैं, इनकेस कहीं उल्टा हो तो। तुला लग्न वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि में देखूँ तो अभिव्यक्ति में जान है, अभिव्यक्ति में जान है। लगभग 2032 तक ये व्यक्ति जो है अभी इसी तरह से ऊर्जा से भरपूर रहेगा और ऊर्जा इनके अंदर परिपूर्ण रहेगी। दूसरी बात एक और है, केवल वृश्चिक राशि मत देखिएगा, राहुल गांधी जी की भी वृश्चिक राशि है और लोगों की भी वृश्चिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अभी ये लघु कल्याणी ढैया लगेगी चतुर्थ की मोदी जी को, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिव भक्त हैं और शिव की पूजा करते हैं, और उसके अंदर शिव का जो मंदिर था वाराणसी के अंदर उसका उद्धार इन्होंने किया, और ये शिव के परम भक्त होने के कारण इनके ऊपर किसी भी कल्याणी ढैया का, किसी ढैया का कोई असर नहीं पड़ेगा। और शिव के साथ सिर्फ इतना नहीं है, केवल राजनीतिज्ञ होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, एक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते, हिंदुइज्म से जुड़े, ऐसा नहीं है, ये परम भक्त हैं, इन्होंने तपस्याएं की हैं हिमालय के अंदर जाकर के। तो ये भारतवर्ष का, हमारे बच्चों का, हमारे भारतवर्ष का आने वाला जो भविष्य है, जिसको विश्व गुरु बनने की तरफ एक मोड़ देगा कोई व्यक्ति ही देगा, ईश्वर तो ऊपर से आएगा नहीं, विष्णु भगवान नहीं आएंगे ऊपर से, वो एक व्यक्ति के अंदर ही अवतरित होंगे। अब वो नरेंद्र मोदी जी के रूप में हुए हैं, अब उनकी कुंडली के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत का भविष्य आगे भी जागृत होगा। और जो चीज़ें अभी भी मैं उनकी मन की बात सुन रहा था, तो जो महिला से शक्तिकरण है जब तक भारतवर्ष के अंदर नहीं होगा, हमारे अंदर देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति को देखिए, सीताराम बोला जाता है, राधे कृष्ण बोला जाता है, माता सर्वोपरि है, मातृशक्ति सर्वोपरि है, मातृ ही जननी है। जिस समय देवी देवता भी फंस जाते हैं, उस समय भी माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, इस बात का इनको ज्ञान है, इसीलिए मातृशक्ति का उद्धार कर रहे हैं, मातृशक्ति को आगे लेकर के आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आज हमारे विद ज्योतिष, जितने भी हमारे ज्योतिषी आज बैठे हैं, सबके पास प्रभु कृपा है, सबके पास एक ऐसी ताकत है जिन्होंने अपनी विद्या के अनुसार भारतवर्ष का भविष्य बताया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो उन्होंने कहा बिल्कुल परम सत्य है, ये होगा ही, और मोदी जी या कोई और मोदी जी, व्यक्ति विशेष से फर्क नहीं पड़ता है, भारतवर्ष के मातृभूमि के भविष्य से फर्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आचार्य वासुदेव जी ने मातृशक्ति का जिक्र किया महिला सशक्तिकरण का, इससे पहले जब हम प्रधानमंत्री, और बात यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, मेरा सवाल ले लीजिए कि जो राशि प्रधानमंत्री मोदी की है, और क्योंकि हमने देखा है और हमने थ्रू आउट चीजें देखी है कि जब भी अगर किसी लीडर के करिश्मा की बात की जाती है तो सबसे पहले उसमें नाम प्रधानमंत्री मोदी का आता है, तो उनकी राशि में जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं और क्या उनको इतना करिश्माटिक बनाता है? जी देखिए, मेरे से अगर प्रश्न पूछा तो मैं ही जवाब देता हूँ। ये जो चंद्रमंगल का योग लगन के अंदर बना हुआ है, चंद्रमंगल को आप समझ लीजिए, चंद्र मन सो जाता, मन का कारक है, मंगल आपके धमनियों में बहने वाला ब्लड है, खून है, ब्लड प्रेशर है, ओके। उसके बाद शनि मंगल का योग बना हुआ है इनके सप्तम भाव के अंदर, शनि और मंगल दोनों एक वहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ऐसा योग बना रहे हैं व्यक्ति के अंदर जहाँ व्यक्ति
एक परफेक्ट राजा है। देखिए राजा की डेफिनेशन क्या दी हुई है हमारे शास्त्रों में, कहता है कृपस्य चित्तम कृपणस्य धनम, कृपस्य चित्तम कृपणस्य धनम। ओके, राजा का चित्त और कंजूस आदमी के धन उसका ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। मेरा ख्याल से जब मैं मोदी जी की आंखों में देखता हूं और उनकी कुंडली जब चंद्रमंगल योग की और शनि मंगल योग की देखता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि इस व्यक्ति के दिमाग के अंदर 24 घंटे कुछ चलता है। के अंदर जब इस तरह का योग बना हुआ हो कि उस व्यक्ति को इस बात से डर नहीं लगता कि मैंने दुश्मन का कितना खून बहाया और अपने देश के बच्चों की कितनी रक्षा की, तो वो एक योग बनना राजा की कुंडली में अति आवश्यक है। ये मोदी जी की कुंडली की स्पेशलिटी है। बिल्कुल, तो देखिए आगे आने वाला भविष्य बता रहे हैं आचार्य जी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, 8 साल की होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने अपनी बात अपने अपने नजरिए से बताने के लिए, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए 8 नंबर का क्या रोल होता है और किस तरह 8 नंबर इतना इन्फ्लुएंशियल हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर अगर आज तक देख लिया जाए तो कई बड़े और अहम फैसले 8 तारीख को लिए गए हैं। और जितने भी जैसा कि तमाम पैनलिस्ट जितने भी ज्योतिष हमारे साथ बैठे थे वो बता रहे थे कि जो सम ऑफ नंबर्स होता है वो भी प्रधानमंत्री मोदी का 8 ही आता है। 370 को हटाना, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आयुष्मान भारत, 3 ट्रिपल तलाक, ये वो तमाम योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में काउंट की जाती है और इसकी सराहना की जाती है। जिस तरह से 2014 के बाद देश बदला है, भारत बदला है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी का जिक्र क्यों ना कर लिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक जल्द